Morning class, how are you? I hope you all are fine. First of all, I would like to say that keep your mobile at least 25 cm from your eyes. Chapter number 3 chal raha hai, MS Access. Today we will discuss about the tick the correct option. MS Access क्या होता है? RDMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट मीन्स इट इज द वे टू अरेंज योर डाटाबेस इन ए ऑर्डर. टेबल्स इज लाइक इट. जो टेबल होती है जैसे आपकी MS Excel होती है जिसमें आपकी स्प्रेडशीट होती है या कह सकते हैं रो होती है, कॉलम होती है, तीनों होती है, तो इसका नाम होता है ओल्ड. स्प्रेडशीट या रो या कॉलम टेबल्स को कह सकते हैं. मॉड्यूल्स आर प्रोसीजर भी कहीं मॉड्यूल्स के अंदर क्या बताया मैंने आपको, यानी किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका, वो होता है आपका विजुअल बेसिक और ये आपकी एक लैंग्वेज, एक ब्लैंक डाटाबेस. ठीक है, डाटाबेस क्या होता है मैंने आपको कल बताया था. जो भी हम कंप्यूटर को काम देखते हैं, इंफॉर्मेशन या डाटा देते हैं, अधिक से अधिक बेस को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस. तो अगर बात करते हैं मुझे टेबल्स बनानी है तो उसमें कितनी रो कॉलम होगी डाटाबेस के द्वारा, इसमें से कोई भी नहीं होगी. उसमें होती है 20 रोज और 30 कॉलम. इसमें बात करते हैं रैंक और फॉल्स की. एक टेबल इसमें होगा 5 कॉलम. मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपकी टेबल होती है वह रो और कॉलम से मिलकर ही बनती है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे ये आपकी एक टेबल, ये होती है आपकी रो और ये होती है आपके कॉलम, और जहाँ पर एक दूसरे क्रॉस करती है वो जाता है आपके सेल. यू कैन नॉट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. इसमें कहा जब आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो आप उसमें चेंजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते. यह आपका फॉल्स. आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं. MS Access इज ए पार्ट ऑफ MS Office. जो आपका MS Access है, क्या वे आपके MS Office का पार्ट है? तो ये आपका राइट है. ठीक है ना, वो भी आपका MS Office जो है MS Access आपका MS Office का पार्ट है. तो क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी का भी वर्क इनकम्प्लीट है तो वह मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है कॉलेज आवर्स में, और आपको टाइम टू टाइम कॉलेज में अपने गार्जियन के थ्रू कॉपी चेक करवानी है. इसके लिए आपको कॉलेज नहीं आना है. जो आप कॉपी सबमिट करोगे विद हेल्प ऑफ गार्जियन, आपके मम्मी या पापा के थ्रू आप जो है कॉलेज में भेजोगे तो उससे चेक कर सकेंगे. आज के लिए इतना ही है. Thank you.